गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। और ये देखिए, यहाँ पर सुबह से ही चालू हो गई थी बारिश नॉन स्टॉप। कैमरे में इतना नज़र नहीं आता है पर काफ़ी तेज बारिश थी। देखिए आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और झाड़ू वगैरह हो गया है और नाश्ता वगैरह भी हो गया है, नाना धोना हो गया मेरा। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में सुबह का खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो मैंने यहाँ पे कुछ तैयारी भी करके रखी है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी हुई है, पहले से पैन रखा हुआ है। इसमें मैंने सुबह नाश्ते में पूड़ी बनाई थी बच्चों के लिए, तो वही है, उसी में बना दूँगी सब्जी। और पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो गोभी कट कर लूँगी मैं। और यहाँ पर लहसुन छील के रखा है मैंने, मिर्ची निकाल ली है, करी पत्ता वगैरह सब निकाल के रखा है। और ये देखो मानिया कच्ची गोभी उठा के ले गई, वो कच्ची खाती है, उसे पसंद है। तो ये हो गई गोभी कट। तो अभी ये कचरा हटा लूँगी मैं यहाँ से। और प्याज कट किया है और हरी मिर्ची कट कर लूँगी, करी पत्ता कट किया है और हरी मिर्ची करी पत्ता मैं कट करके ही डालती हूँ, तो वो क्या खाया जाता है वरना बच्चे फिर निकालते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो यहाँ पर मिर्ची को मैं कूट लूँगी और प्याज ऐसे ही कट कर लिया है बारीक, और हरी मिर्ची को कूट लिया है, लहसुन हरी मिर्ची इनको कूट लूँगी। और एक आलू लिया है मैंने, वो डालूँगी। तेल हो गया गरम, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने जीरा, राई, थोड़ी सी सौंफ भी डाली है, प्याज डाल दिया है। थोड़ी सी डाली है हींग। सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ। डाल दिया है करी पत्ता और हरी मिर्ची कूटी हुई है इसलिए बाद में डाल रही हूँ। अब डाल रही हूँ आलू। आलू को चला लूँगी थोड़ी देर, फिर थोड़ा सा अच्छे से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। मसाले को थोड़ा साइड में कर दिया और तेल में डाल दी कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये डाली है गोभी, पत्ता गोभी, मिक्स कर लूँगी इसको भी। और अब डाल देंगे सूखे मसाले। तो हरी मिर्ची डाली है तो लाल डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो सिर्फ हल्दी डाल दी है। और एक चम्मच भर के डाला है अजवाइन। सुबह की सब्जी में मैं अजवाइन डालती ही डालती हूँ, सारी सब्जियों में सुबह में जो भी बनाती हूँ उसमें, वो अच्छा रहता है पेट के लिए। तो एक चम्मच भर के अजवाइन डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, सबको मिक्स करके ढक देंगे। और एक का टमाटर लिया है मैंने, इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर
सब्जी हो गई है तो डाल दिया है टमाटर, रख लेंगे थोड़ी देर तो अच्छे से एक जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बर्तन हो गए थोड़े, वो सब्जी कटिंग की वो है और थोड़े चाय पानी के बर्तन हैं, चॉपिंग बोर्ड वगैरह हैं, तो इनको क्लीन करके रख दूँगी ताकि एक साथ बहुत सारे बर्तन नहीं हो जाए। मैं थोड़े थोड़े होते हैं उनको क्लीन करती रहती हूँ, इकट्ठे नहीं होने देती हूँ, फिर ज़्यादा हो जाता है ना तो खड़े खड़े इतनी देर तक खड़े खड़े बर्तन इतने सारे होते नहीं हैं। तो ये दूध के जो बर्तन पड़े थे वो सब थे, तो उनको पहले क्लीन किया है, तब तक सब्जी हो जाएगी। तो ये दूध का कुकर है, उसके अंदर थोड़ा पानी भरना पड़ता है, 2-3 दिन में एक बार भरना ही पड़ता है, तो वो भर लिया है और ये वो काम किया, तब तक ये हो गई सब्जी डन। ये देखिए कितने अच्छे कलरफुल लग रही है ना। तो ये पत्ता गोभी और आलू की सब्जी हो गई रेडी। अब यहाँ पर मैं मशीन चालू कर दूँगी ताकि मैं काम करूँ, रोटियाँ वगैरह बनाऊँ, तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो पाउडर ख़त्म हो गया था तो वो रिफ़िल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। चालू हो गई है तो अब मैं लगा लूँगी आटा, सब्जी रख दी है साइड में और यहाँ पर आटा लगा लूँगी मैं। नमक डाला है आटे में और डालूँगी 1 चम्मच घी, आटा लग चुका है तो अभी रोटियां बना लूँगी मैं। तो बच्चे भी गरम गरम खा लेंगे। तो मान्या आ गई यहाँ पे खाना खाने के लिए, उसको लगी भूख। थाली रेडी मेरी, बर्तन बाद में क्लीन करूँगी, गैस वगैरह भूख लग रही है तो पहले खा लूँगी खाना। तो ये होगी थाली रेडी, पत्ता गोभी की सब्जी और बूंदी का रायता बना दिया है, पापड़ सेक लिया है और रोटी। तो ये हो गई आज की थाली। और ये देखिए बारिश अभी भी चालू ही है, रुकी नहीं है तब से, सुबह से चालू है, सुबह उठने से पहले ही तभी चालू थी, काफ़ी जल्दी से चालू थी, अभी तक ये देखिए चली रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं आई है, चली रही है, चालू ही है बारिश, नॉन स्टॉप चालू। तो खाना वगैरह हो गया मेरा, कपड़े भी हो चुके हैं, कपड़े भी सुखा दिए मैंने, धुल गए। पहले मैंने खाना खा लिया क्योंकि फिर खाना नहीं खाऊं और ये सब करने लगो तो फिर खाने का बहुत लेट हो जाता है, तो गरम गरम बन गया था तो पहले खा लिया मैंने। अब गैस क्लीन कर लूँगी, कपड़े सूख चुके हैं और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।